कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो साथियों आज के वीडियो में बात करेंगे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RBSE कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान नमूना प्रश्न पत्र यानी मॉडल पेपर के आंसर की। हाँ साथियों, राजस्थान बोर्ड ने कक्षा 8 के जो नए मॉडल पेपर है वो जारी कर दिए हैं। मॉडल पेपर क्या होता है? जो बोर्ड परीक्षा में आपका पेपर होगा वो किस प्रकार का होगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बड़े कितने होंगे, छोटे कितने होंगे, सारी जानकारी आपको मॉडल पेपर में दी जाती है। और बोर्ड द्वारा एक ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया जाता है जिसमें काफी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। लेकिन साथियों आपको जो PDF मिलेगा उसमें आपको आंसर देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए इन सभी प्रश्नों के आंसर आज के वीडियो में आपको बताऊंगा सामाजिक विज्ञान विषय के। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, लास्ट तक देखना है ताकि आपके बोर्ड परीक्षा में 90% नंबर आ सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर आप स्क्रीन पे देखिए प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2024। तो 2024 की परीक्षा के लिए मॉडल पेपर है साथियों। मार्च के महीने में आपके पेपर होने वाले हैं, कब से स्टार्ट होंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। और ये PDF और इन सभी प्रश्नों के आंसर का PDF भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए इनके आंसर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें साथियों कि सामाजिक विज्ञान विषय में जो आपको पेपर का नंबर मिलेगा कितने नंबर का मिलेगा, तो 80 नंबर का आपको पेपर देखने को मिलेगा और समय मिलेगा 2 घंटे 30 मिनट का। क्योंकि साथियों अगर 80 नंबर का आपका पेपर है तो 20 नंबर आपके विद्यालय से भेजे जाएंगे, तो टोटल आपको 100 में से नंबर लाने होंगे। अब बात करें कि प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो साथियों आपको जो पेपर दिया जाएगा उसमें ही आपको आंसर लिखना है, यानी आपका जो पेपर होगा वो बुक लेट में होने वाला है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 को देखें, हुरड्डा सम्मेलन बुलाने का उद्देश्य क्या था। यहाँ पर आप इसमें ऑप्शन ब कर देंगे जो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, अंग्रेजी प्रभाव को सीमित करने के लिए। इसके बाद हम सेकेंड प्रश्न की बात करें, प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो आपको याद रखना है जो प्रथम गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। क्या था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ऑप्शन आपका इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 की बात करें, बिरसा मुंडा संघ का संबंध है। तो बिरसा मुंडा संघ का संबंध साथियों झारखंड से है। किससे? झारखंड से। तो ऑप्शन द आपका इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नीचे जो इंग्लिश में लिखे हुए साथियों ये अंग्रेजी मीडियम विद्यार्थियों के लिए है, तो वो भी इनके आंसर देख सकते हैं, सभी के आंसर समान ही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 की बात करें, न्यायपालिका का प्रमुख कार्य क्या है। विवादों को निपटाना, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकारों का संरक्षण, उपयुक्त सभी आपका इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 5 की बात करें, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है। तो साथियों लोकसभा की बात कर रहा है तो आप इसमें लिख देंगे प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगर ये बात कर साथियों राज्यसभा की तो आप इसमें मुख्यमंत्री कर देते। इसके बाद हम बात करें प्रश्न नंबर 6 की, नवनीकरणीय संसाधन के उदाहरण। तो सौर ऊर्जा भी है, ज्वारीय ऊर्जा भी है और पवन ऊर्जा भी है, तो इसमें भी आपका उपयुक्त सभी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी प्रश्नों के सटीक आंसर बता रहा हूँ साथियों। उसके बाद मेरे द्वारा आपको ये PDF दे दिया जाएगा जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और भी अच्छे तरीके से। बस अभी सभी आंसरों को ध्यान से आप समझ लीजिए। प्रश्न नंबर 7 बोल रहा है, निम्नलिखित में से मानव निर्मित संसाधन नहीं है। तो साथियों पुल ये भी मानव बनाता है, मशीन भी मानव बनाता है, सड़क भी मानव बनाता है, लेकिन प्राकृतिक गैस मानव नहीं बनाता। तो आपका इसमें द ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा कि ये मानव निर्मित संसाधन नहीं है। ओके ठीक है, प्रश्न नंबर 8 की बात करें, भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में राजस्थान की किस जनजाति को रखा है। तो आपको याद रखना है सहरिया जनजाति को रखा है आदिम जनजाति समूह की सूची में। किसे साथियों? सहरिया जनजाति को। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आपका प्रश्न, इसके बाद यहाँ से आपका खंड ब स्टार्ट हो रहा है जिसमें पहला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो आप क्या करेंगे साथियों? मस्केट। तो मस्केट क्या है? तो मस्केट आपको याद रखना है पैदल सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बंदूक को बोलते हैं मस्केट। ठीक है, फिर है मैचलॉक। तो मैचलॉक क्या है साथियों? बंदूक जिसमें बारूद से चिंगारी दी जाती है उसे बोलते हैं मैचलॉक। उसके बाद है मुफ्ती। तो साथियों मुफ्ती क्या है? तो आपको याद रखना है मुस्लिम समुदाय का एक न्याय विधेय। इसके बाद है महाभियोग। तो महाभियोग साथियों क्या है? किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप क्या होता है? महाभियोग। तो अच्छे तरीके से देख लीजिए और ये मिलान आप कर लीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 की बात करें, तो प्रश्न नंबर 10 में हमें हाँ या ना बोलना है, यानी सत्य असत्य बताना है। तो लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन है, तो बिल्कुल सही बात है, हाँ है। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु को पसंद करते हैं, तो नहीं साथियों। इसके बाद है खनिज निक्षेप वाले क्षेत्र में अधिक
घने बसे हुए हैं, तो आप इसमें कर देंगे हाँ सही है। औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर नहीं प्रदान करते, तो इसमें भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 की बात करें, न्यूनतम वेतन कानून से क्या अभिप्राय है, तो साथियों आप इसमें लिख देंगे कि न्यूनतम वेतन कानून क्या है, 1948 में भारत की संसद द्वारा पारित एक श्रम कानून है जो कुशल तथा अकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरों का निर्धारण करता है, उसे बोलते हैं न्यूनतम वेतन कानून, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 बोल रहा है, महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के कोई दो कारण लिखिए, तो पहला आप लिख देंगे समाज में महिलाओं के विकास करने के लिए, और दूसरा लिख देंगे लैंगिक समानता के लिए, तो ये दो कारण हो जाएंगे महिला सशक्तिकरण के, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 13 में बोल रहा है, सन 1857 में मेरठ छावनी के सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों एतराज था, तो आप इसमें लिख देंगे साथियों क्योंकि बंदूक में कारतूस लगाने के लिए उसके ऊपर लगी एक पट्टी को दांत से काटना पड़ता था, और ऐसी खबर थी कि उस पट्टी को बनाने में गाय एवं सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था, ऐसी चीजों के उपयोग से हिंदू एवं मुसलमान सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती थी, अतः उन्हें कारतूसों पर एतराज था, तो बहुत ही सटीक और अच्छा आंसर हो जाएगा साथियों, आप इसमें ये लिख देना। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 बोल रहे हैं, भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है, तो भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है, तो आप इसमें लिखेंगे कि भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है क्योंकि यह पूरे भारत में कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए प्रसिद्ध है साथियों, कपड़ा उद्योग के लिए। यह क्षेत्र वर्तमान में राजस्थान के सिंथेटिक फाइबर के कुल उत्पादन का 40% उत्पादन करता है, और इसकी 440 से अधिक बुनाइयां इकाइयां है, तो एकदम राइट आंसर हो जाएगा, आप इसमें लिख देना कि भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है, उसका एकदम सही आंसर है। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 बोल रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय किसानों पर नील की खेती करने हेतु दबाव डालते थे, क्यों, कारण स्पष्ट कीजिए, तो आप इसमें लिखेंगे साथियों कि क्यों डालते थे वो दबाव, तो इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए तो पता चलता है कि नील की खेती करने वाले किसानों को ब्रिटिश सरकार लोन देती थी, जिसके लालच में किसान नील की खेती करना चालू कर देते थे, लेकिन उसका ब्याज इतना ज्यादा होता था कि किसान कर्ज के जाल में फंस जाते थे और नील की खेती का सिलसिला भी मजबूरी में चलता रहता था, तो इस प्रकार से आप इसका राइट आंसर लिख देंगे। फिर प्रश्न नंबर 16, निर्वाह कृषि के प्रकारों का वर्णन कीजिए, साथियों निर्वाह कृषि क्या होती है, आप इसमें लिख देंगे निर्वाह कृषि वह कृषि होती है जो किसान अपने जीवन निर्वाह के लिए करता है, और इसके प्रकारों की बात करें तो एक तो आपका इसमें जो हो जाएगा गहन निर्वाह कृषि, और एक हो जाएगा जीवन निर्वाह कृषि, उसके बारे में आप इसमें लिख देंगे। बहुत ही सिंपल सा आंसर कि किसान द्वारा अपने दैनिक जीवन के लिए जो खेती की जाती है आवश्यकता के लिए फल सब्जी आदि की, उसे बोलते हैं निर्वाह कृषि। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 है, उद्योग शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए कच्चा माल आधारित उद्योग का वर्गीकरण करें, तो उद्योग शब्द का अर्थ स्पष्ट करना है हमें, तो साथियों उद्योग शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आप इसमें लिख देंगे, तो इसका आंसर भी साथियों मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं, इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख लेना, और अभी मैं आपको इसे और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके बाद साथियों यहां पर लिखा है कि कल्पना कीजिए कि आप 1850 के दशक में एक गरीब परिवार में पैदा हुए हैं, उस समय सरकार द्वारा संचालित पाठशालाओं की कोई दो राय दे, तो साथियों की 1850 में जो विद्यालय थे उनमें काफी शिक्षा का स्तर काफी कम था, तो उसके बारे में हमें दो सुझाव देने, तो आप इसमें लिख देंगे कि उस समय जो शिक्षा दी जा रही थी उसमें जाति संबंधी और धर्म संबंधी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, और सेकंड वाला आप इसमें लिख देंगे कि सभी को समान अवसर देने चाहिए, यानी प्रतियोगिता का स्तर हमें पैदा करना चाहिए ताकि लोगों में शिक्षा के प्रति क्या जागरूकता बढ़े, तो इस प्रकार से आप दो उपाय इसमें लिख देंगे बहुत ही आसानी से। इसके बाद सेकंड भी ऐसा ही है कि प्राथमिक शालाओं में प्रवेश लेने के बाद आगामी कक्षाओं के अध्ययन में आधे बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं, कोई दो कारण लिखिए, तो आप इसमें लिख देंगे साथियों कि बहुत से बच्चे अनुत्तीर्ण रह जाते हैं, यानी पास नहीं हो पाते, इस वजह से भी अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, और सेकंड आप इसमें लिख देंगे अपने घर की आर्थिक स्थिति काफी खराब होने के कारण भी कई विद्यार्थी विद्यालय छोड़ देते हैं और अगली कक्षा में अध्ययन नहीं कर पाते हैं। इसके बाद साथियों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 19, जहां पर आपको अभी वर्तमान समय के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। पहला प्रश्न बोल रहा है कि कौन से राजनीतिक दल अभी सत्ता में है, तो आप इसमें भर देंगे राज्य सरकार वाले में भर देंगे भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी की जो क्या है साथियों अभी राज्य सरकार में सरकार बनी हुई है। इसके बाद केंद्र सरकार में भी आप लिख देंगे भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। उसके बाद सेकंड बोल रहा है
आपके क्षेत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि का। तो साथियों मैं तो रहता हूँ राजस्थान में और हम राजस्थान का ही मॉडल पेपर कर रहे हैं, तो आप इसमें लिख देंगे श्रीमान भजन लाल शर्मा जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री है, और केंद्र सरकार में साथियों आप लिख देंगे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जो कि प्रधानमंत्री है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 बोल रहा है अभी कौन सा राजनीतिक दल विपक्ष में है, तो आप इसमें लिख देंगे साथियों जो राज्य सरकार में कौन है, इसमें आप लिख देंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और केंद्र सरकार में लिख देंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसके बाद है अगले चुनाव कब होंगे, तो साथियों जो राज्य सरकार के राजस्थान में चुनाव है वो 2028 में होंगे और केंद्र सरकार के चुनाव 2024 में अभी होने वाले हैं अप्रैल के माह में, ठीक है। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा प्रश्न नंबर 20 ऐसे दो मौलिक अधिकार बताइए जिनका कोई व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा एवं समता परक व्यवहार पर जोर देने के लिए प्रयोग करे। तो मैं आपको सभी 6 मौलिक अधिकार बता देता हूँ, आप इसमें लिख देना। एक है समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इनके अनुच्छेद भी आपको देखने को मिल जाएंगे इनके सामने, ठीक है ओके। प्रश्न नंबर 2 बोल रहा है इसका पॉइंट कि ऐसे किन्हीं 2 क्षेत्रों का वर्णन कीजिए जिनमें हाशियाई समुदाय की पहचान प्रदर्शित होती है, अतः इसका भी वर्णन अभी हम यहाँ पर आपको बता देंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 देख लीजिए कि राजस्थान में आपको बाड़मेर, भरतपुर, पाली, बांसवाड़ा इन सभी को भरना है। तो यहाँ पर साथियों राजस्थान का मानचित्र आपको दे रखा है, आपको क्या करना है साथियों मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ एक पूरा भरा हुआ मानचित्र, बिल्कुल इसी मानचित्र की तरह जो आपको ऊपर नाम बोले हैं बाड़मेर, भरतपुर, पाली, बांसवाड़ा चित्र में से देखकर आप इसमें भर देना, ठीक है ओके। फिर प्रश्न नंबर 22 बोल रहा है कि 1857 की क्रांति की सफलता व असफलता पर अपने विचार लिखिए। तो साथियों आप इसमें लिख देंगे कि 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजी सरकार हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाने में तो सफलता प्राप्त नहीं कर सकी, परंतु आंशिक रूप से सही सांप्रदायिक का खेल खेलने में सफल रही, और सांप्रदायिक भावनाओं को उभार कर ही अंग्रेजी सरकार ने सिख रेजिमेंट और मद्रास के सैनिकों को अपने पक्ष में कर लिया। तो ये आप इसमें लिख देना। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 बोल रहा है इसका पॉइंट है कि भारत की आज़ादी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान पर विस्तार से लेख लिखिए। तो साथियों आप इसमें लिख देंगे अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने में महात्मा गांधी का विशेष योगदान रहा है, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, दांडी सत्याग्रह, दलित आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, उनके कुछ प्रमुख आंदोलन ने जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव कमजोर करने में बड़ा रोल अदा किया है। तो आप इन सभी के बारे में 2-2 लाइन लिख देना, आपका काफ़ी अच्छा आंसर हो जाएगा। उसके बाद 3 बोल रहा है रोलेक्ट सत्याग्रह यानी रोलेक्ट एक्ट क्या है, तो उसके बारे में भी साथियों आप लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप इसमें आंसर लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 23 बोल रहा है कि जैव मंडल और पारितंत्र पर लेख ही लिख लिए। तो साथियों जैव मंडल और पारितंत्र पर आपको यहाँ पर लेख लिखना है, तो हम जैव मंडल की बात करें तो आप जैव मंडल में लिख देंगे पृथ्वी का वह पूरा क्षेत्र जिस पर समस्त प्रकार के जीवों, जंतुओं, पौधों, सूक्ष्म जीवों आदि का जीवन संभव हो सकता है उसे जैव मंडल कहते हैं। और रही बात पारितंत्र की, तो पारितंत्र में भी साथियों आप लिख देंगे किसी क्षेत्र के सभी प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीव व अजैव घटक, जलवायु, भूमि, जल, तापमान आदि संयुक्त रूप से पारितंत्र कहलाता है। तो आपका इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा ओके, ठीक है। प्रश्न नंबर 23 भी आपका हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 24 की बात करें संविधान से आप क्या समझते हैं, संविधान की आवश्यकता के कारण को स्पष्ट कीजिए। तो साथियों संविधान के बारे में भी आप यहाँ पर बता देंगे कि संविधान क्या है और इसका महत्व और धर्मनिरपेक्षता भी आप बता देंगे। और प्रश्न नंबर 25 में भी आपको प्रश्नों के जवाब देने, बहुत ही सिंपल से प्रश्न दिए गए हैं और टोटल आपको 25 प्रश्न पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो इन सभी के आंसर आपको मेरे द्वारा दे दिए जाएंगे पीडीएफ सहित। तो आपको ये पीडीएफ और आंसर का पीडीएफ कैसे मिल सकता है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन ओपन कीजिए, वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, लिंक पर क्लिक कीजिए और सभी के आंसर का पीडीएफ बहुत ही आसानी से देख लीजिए, आपको सभी प्रश्नों के एकदम सटीक आंसर वहां पर देखने को मिल जाएंगे। और अन्य सभी विषयों के मॉडल पेपर के आंसर जानने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो आप हमारे जाके देख सकते हैं चैनल पर, वहां पर आपको सभी के वीडियो मिल जाएंगे। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जय हिंद।